जवानी में किया था अपराध, अब बुढ़ापे में भोगनी होगी सजा। जयपुर पुलिस 27 साल से कर रही थी अपराधी की तलाश। वांछित अपराधियों को पकड़ने के लिए चलाए गए अभियान में जयपुर कमिश्नरेट ने 1700 अपराधियों को किया गिरफ्तार। राजस्थान पुलिस मुख्यालय द्वारा फरार अपराधियों को पकड़ने के लिए चलाए गए विशेष अभियान में जयपुर कमिश्नरेट क्षेत्र में करीब 28,000 वारंटी फरार चल रहे थे, जिनमें जयपुर कमिश्नरेट में 1700 अपराधी पकड़े हैं, जिनमें सबसे ज्यादा 700 अपराधी जयपुर वेस्ट के द्वारा पकड़े गए हैं। द्वितीय स्थान पर जयपुर इस 391 अपराधी पकड़े हैं। तृतीय स्थान पर जयपुर साउथ ने 340 अपराधियों को गिरफ्तार किया। वहीं चतुर्थ स्थान पर जयपुर नॉर्थ में सबसे कम 243 अपराधियों को पकड़ा। सबसे ज्यादा वारंटी पकड़ने वाले थाने में प्रथम स्थान पर जयपुर वेस्ट में थाना चोमू ने 132 अपराधियों को पकड़कर प्रथम स्थान पर रहा। द्वितीय स्थान पर जयपुर पश्चिम में थाना झोटवाड़ा, जिसने 130 अपराधियों को पकड़ा। तृतीय स्थान पर जयपुर साउथ थाना सांगानेर 81 अपराधियों को पकड़ने में सफलता हासिल की। वही 27 साल से कर रही थी पुलिस जिसकी तलाश। इन सब में सबसे ज्यादा पुरानी वारंटी अपराधी जो 27 साल से फरार था, 20 साल की उम्र में अपराध करके भागा था, और जयपुर पश्चिम थाना विश्वकर्मा में 27 साल से फरार आरोपी देश बंधु जाट, हरियाणा की चरखी दादरी निवासी अपराधी देश बंधु जाट को हरियाणा के एक आश्रम में साधु के वेश में फरारी काट रहा था, जिसके पास किसी अनजान व्यक्ति को जाने की अनुमति नहीं थी। विश्वकर्मा थाने से हेड कांस्टेबल साहब ने अपराधी के आश्रम में उसी का शिष्य बनकर अपनी सूझबूझ और अपनी बहादुरी का परिचय देते अपने साथी कांस्टेबल राजपाल चौधरी और महेंद्र चौधरी की सहायता से अपराधी को उसी के आश्रम से गिरफ्तार कर अपराधी को जेल की सलाखों तक पहुंचाया। नवभारत समाचार जयपुर राजस्थान से अशोक शर्मा की रिपोर्ट।